आप लोग जो अभी वीडियो में देख रहे हैं अगर आप भी आना चाहते हैं और मेरे जो मेडिटेशन है, है, हैं तो आप हमें थैंक यू सो मच विश बेस्ट बहुत बार ट्राई किया है साउंड ऑफ साइलेंस को वैलिडेट करने के लिए अलग अलग वीडियोज देख के ऑडियोज देख के और थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ के बट सर कहीं ना कहीं पर ना ऐसा लगता है कि इसको कब तक वैलिडेट करना चाहिए अभी जैसे एग्जांपल आपने उपनिषद में दिए हैं उसमें भी जाके बात एक ही जगह आती है साउंड ऑफ साइलेंस तो सर ये तो फिर जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगी वैलिडेशन की जो साउंड ऑफ साइलेंस है कि वी ऑल आर वी ऑल आर दैट ओनली तो आई थिंक इज इट अ लॉन्ग लाइफ जर्नी थ्रू आउट द लाइफ और एक टाइम के बाद ठीक है अब ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं जो है सो है मतलब वो एक रहता है तो मैं अभी सर मुझे लगता है कि मेरा अः मुझे और करना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि जैसे आपने बोला कि अगर आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा तब तो तक तो आप किसी को समझा भी नहीं पाओगे बट मुझे अभी इतना हो गया है कि यस मुझे तो पता है लेकिन सर उसको मैं अभी भी वैलिडेट करता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा कि यार पूरा पता चल गया है या इसको कंटिन्यू करना करते रहना चाहिए जब तक लाइफ है तब तक एक्सप्लोर करो सुनते रहो वीडियोस देखते रहो सेशंस अटेंड करते रहो और नई चीज़ें सीखो वैलिडेशन का आपका मतलब क्या है मतलब कैसे वैलिडेट करते हो इसको वैलिडेशन का सर मतलब है हाउ वुड आई नो कि मैं वही साउंड हूँ वही साउंड का ही पार्ट हूँ आपके वीडियोस में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सुने जहाँ पे आपने अलग अलग नाम के थ्रू अलग अलग जैसे अष्टवक्र गीता का एक एग्जाम्पल वो एक पूरी स्टोरी है पूरी उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी उपनिषद के थ्रू समझाने की कोशिश करी पुराने जो से, सेंट्स रहे हैं जो उनके जो दोहे होते हैं उनके जो लेख होते हैं उनमें भी तो सर ये सब अलग अलग मेथड्स हैं वैलिडेशन के मेथर्ड I है mean, समझाने के तो ये तो सर अनलिमिटेड है तो मेरा क्वेश्चन सर ये कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप इसको इतना इतना वेरीफाई नहीं करना चाहिए मतलब ठीक है अब है तो है एक्सेप्टेड एंड लिव योर लाइफ यू आर ट्राइंग टू डू इज आपने ये साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में मेरे सेशंस में सुना प्लस आपने इसको एक्सपीरियंस किया जैस yes, सर तो यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दिस एवरीवेयर ये तो कोई बिलीफ नहीं है ना इसके लिए तो कोई वैलीडेशन नहीं no, चाहिए आई कैन फील स्टिल नाउ अभी भी सो साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही इसको वैलिडेट क्या करना है ये है इसमें कोई डाउट है नो no, सर तो डाउट क्या है कि मैं क्या हूं मैं कौन हूं ये कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन है इसीलिए सवाल है क्योंकि अभी थियोरोटिकली तो आप बोल रहे हो आई एम दैट साउंड ऑफ साइलेंस आर यू लिविंग लाइक दैट या फिर आप जी किसी और तरीके से रहे हो और बोल कुछ और रहे हो समझ के लेवल पे और वो समझ के लेवल पे भी किस बेसिस पे बोल रहे हो क्योंकि मैंने कुछ बोला है बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग जिसको सुन करके आपको लग रहा है कि मुझे समझ आ गया है और अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे समझते रहना है कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है नंबर वन तो इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं जो है सो है जैसे जमीन है तो है अब ये जो हवा यहां पे चल रही है उसको हम फील कर पा रहे हैं तो वो है तो है कोई इमेजिनेशन नहीं है कि वो मेरे लिए तो सच है लेकिन आपके लिए झूठ है हम सबके लिए है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो है अब डाउट क्या है कि मैं क्या हूं बट इस क्वेश्चन से हम बचते रहते हैं एंड तक स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत लोग चल रहे हैं वो किसी ना किसी ट्रैप में जाकर के फंसते हैं या तो एक्सपीरियंसिस के ट्रैप में फंसते हैं कि अब मुझे ये एक्सपीरियंस हो जाए वो एक्सपीरियंस हो जाए या किसी गुरु के ट्रैप में जाकर के फंसते हैं गुरु से जाकर के अटैच हो जाते हैं या फिर और कुछ नहीं मिला तो बातों से अटैच हो जाते हैं या किसी बुक से अटैच हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सपोर्ट ढूंढते रहते हैं बट इट इज नॉट यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड कम बैक टू दिस क्वेश्चन हु एम आई साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही उसके बारे में क्या बात करनी है और किसको क्या बोलना है समझना तो बस इतना सा है कि मैं क्या हूं ये असली क्वेश्चन है जो हमें पूछना है और इस क्वेश्चन के साथ ठहरना है अब सवाल है कब तक जब तक आगे पूछने के लिए आगे क्वेश्चन करने के लिए कोई गुंजाइश ही ना हो एंड यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू क्वेश्चन द आंसर अगेन एंड अगेन टिल द पॉइंट यानी कि आपने क्वेश्चन पूछा हु एम आई एक आंसर आया उस पे फिर से क्वेश्चन मार्क लगाया फिर एक लेयर हटी फिर आप आगे बढ़े फिर एक आंसर आया फिर आपको लगा ओ आई हैव रियलाइज्ड अब मुझे समझ आ गया है। लेकिन फिर डाउट उठ गया डाउट उठा इसका मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है जब तक डाउट है तब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है पूछते रहो अपने हर जवाब को क्वेश्चन करो तब तक जब तक कि ये जो सवाल पूछ रहा है और जो जवाब दे रहा है यानी कि जो क्वेश्चनर है और आंसरर है इसको आप क्वेश्चन ना करने लग जाओ कि क्वेश्चन पूछ कौन रहा है ये आंसर कौन दे रहा है ये वैलिडेशन सीख कौन कर रहा है हु इज दिस person who is seeking validation about the sound of silence, उसको समझना है तो आप इसको ब्रेकडाउन कर सकते हो इसके attributes देख सकते हो कि यहां पर ब्लू कलर है यहां पे ब्राउन कलर है अटोमिक स्ट्रक्चर यह इस material का है, उस material का है इसकी साउंड ऑफ साइलेंस को करना ब्रेकडाउन कैसे करोगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में क्या इसके कोई एट्रीब्यूट्स है क्या इसके कोई गुण है क्या इसके बारे में आप कह सकते हो कि ये अभी है और तब नहीं है क्या ये आता जाता है क्या इसको आप चेंज कर सकते हो इसको मैनुपलेट कर सकते हो इसको कैप्चर कर सकते हो इसको रोक सकते हो इसको पकड़ सकते हो इसको देख सकते हो यू के नॉट सी इट फ्रॉम योर आइज यू कै नॉट हियर इट फ्रॉम योर इयर्स इट्स देयर आई कॉल इट द साउंड ऑफ साइलेंस क्योंकि कहने के लिए है साइलेंस कैसे हो सकता है इसमें आवाज है आवाज कैसे हो सकती है आवाज तो कानों से आती है जो कानों से आती है उसको आवाज बोलते हैं ना तो कानों से है क्या कान बंद करके देखो तो कहने के लिए साउंड ऑफ साइलेंस है बट दिस इज द रियलिटी दैट इज ऑलवेज देयर और इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस इज इन दिस तो क्वेश्चन करना है तो खुद को करो तब तक करो जब तक आगे ये जो क्वेश्चनर है वो ही डिजॉल्व नहीं हो जाता है और आप देखोगे तो इस क्वेश्चनर इज एन इल्यूजन अब क्या करोगे अब जब क्वेश्चनर ही नहीं रहा तो क्वेश्चन पूछेगा कौन डाउटर ही नहीं है तो डाउट कहां है वैलिडेटर ही नहीं है तो वैलिडेशन कहां है उसके बाद में दो स्टेजेस होती है पहली स्टेज तो यही है अभी जो आप कह रहे हैं कि तब हम वैलिडेशन सीख करते हैं कहां कहां से करते हैं बुक से करते हैं बातों से करते हैं समझ करके करते हैं किसी से मिल करके करते हैं अलग अलग तरह के लोगों को ढूंढते हैं जाकर के उनसे पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने जाकर के किसी से पूछा और उसने बोला अरे ये कुछ नहीं होता है ये तो बकवास है अरे कुछ नहीं है ये आपके अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन चल रही है उसकी आवाज है अच्छा आप इतने तेज हो कि अपनी ब्लड सर्कुलेशन की आवाज को सुन सकते हो एक नदी बह रही है उसकी आवाज तो आती नहीं है आपको 24 घंटे अपने थॉट्स में उलझे रहते हो आपकी कॉन्शियसनेस इस लेवल की हो गई है कि अंदर जो आपकी वेन्स में ब्लड दौड़ रहा है उसकी आवाज आपको आ रही है वाह कमाल हो गया किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे वो कहेंगे कि आपको बीमारी हो गई टेनाइटस अब क्या करोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग स्टैंड पॉइंट से अलग अलग बातें करेंगे तो आप क्या होगा और कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको छोड़ो ये तो है ही आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं क्या हूं यह दूसरी तरह से कहूं कि ये तो है ही आप हो या नहीं हो इसको अहंकार बोलते हैं अहंकार मतलब अहम का आकार सुना है ना इसके बारे में टीवी में भी देखा होगा अहंकार वट इज अहंकार अहम मतलब मैं मेरा आकार ये थॉट इज द रूट कॉज ऑफ ईगो जिसको अहंकार बोलते हैं अहम का आकार अहम यानी कि आत्मा यानी कि मैं जो कि एक्चुअल में निराकार है ये सोचना कि उसका आकार है ये मानना कि उसका आकार है और ऐसे ही जीना और ये सोचना कि वो आकार बनता है मिटता है तो मैं बनता हूं मैं मिटता हूं और इसके साथ में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हैं स्वर्ग नर्क द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये अहंकार है तो अहंकार को आप मार नहीं सकते हो क्योंकि वो है ही नहीं सिर्फ समझ सकते हो कि ये झूठ है जैसे किसी भूत को आप मार सकते हो क्या हाँ फिल्मों में मार सकते हो भूत को मारने के बहुत सारे नुस्खे हैं क्योंकि फिल्मों में भूत है एक्चुअल में है ही नहीं तो मारोगे कैसे होना तो चाहिए ऐसे ही ये जो अहंकार है जब इसको आप क्वेश्चन करते हो नॉट साउंड ऑफ साइलेंस उसको छोड़ दो उसको भूल जाओ वो तो इसलिए है ताकि आप भटको नहीं उल्टे सीधे लोगों के चक्करों में ना पढ़ो एटलीस्ट कोई स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट करके कभी समझ पाओगे नहीं तो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते कॉन्सेप्चुअली ही जीते कॉन्सेपच्चुअली ही मर जाते हैं तो अभी ऐसा है कि साउंड ऑफ साइलेंस को देखो पानी की तरह है, कि पानी को आप पी रहे हो बट आपको पता नहीं है कि ये क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं भी पता है तो प्यास तो बजाता है यानी साउंड ऑफ साइलेंस को बैठ करके सुनते रहो मन तो शांत हो जाता है थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाओगे इंजॉय करोगे तो अगर यहीं पे आपको सुकून मिल रहा है बढ़िया चलते रहो बट अगर और आगे जाना चाहते हो तो पूछो ये नहीं कि ये क्या है पूछो मैं क्या हूं तब देखो एंड में क्या बचा रहता है ये अगर कहीं मैं मिल जाए तो मुझे बता देना मैं मतलब मैं एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फ्रॉम दिस क्रिएशन फ्रॉम गॉड अगर कहीं दिख जाए कहीं मिल जाए तो बता देना और ना मिले तो जो बचा रह गया वो ही आप क्योंकि आप तो हो आप मतलब कॉन्शियसनेस इसको तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना यू कैनोट से एम नॉट देयर द मोमेंट यू से दैट लास्क यू कि कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूं जो कह रहा है वो है तो जो सब कुछ मिटने के बाद भी बचा रह गया वो आप हो तो मैं को मुक्त नहीं करना है जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे आप सब यहां पर आए हो या कहीं भी जाते हो आप जाते हो मैं के मन को शांत करना है मैं को थॉटलेस स्टेट में लेकर के जाना है मैं को यह करना है मैं को और अच्छा बनाना है मैं को बेटर करना है ये सब बच्चों के लेवल की बातें हैं रियल स्पिरिचुअलिटी का इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है रियल स्पिरिचुअलिटी बिगिंस ऑन द डे वेन यू आस्क मैं क्या है फॉर दिस यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड पेशेंस अब वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या है आपके अंदर डिजायर कितना है ये जानने का अगर तो वो डिजायर मोटिवेटेड है कि जानने के बाद मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जा करके आप अटक जाओगे आप सच तक नहीं जाओगे मैं का जो सच है वहां तक नहीं जाओगे आप बीच में ही कहीं जा करके अटक जाओगे आपको क्या चाहिए पीस ऑफ माइंड चाहिए हाँ अब मेरा माइंड पीसफुल है बस हो गया ना बहुत है अब और आगे क्यों बढ़ना है अच्छा इसको करने से ना माइंड डिस्टर्ब हो रहा है आपका मोटिव क्या है यह जानना कि मैं क्या हूं या फिर माइंड को पीसफुल करना अगर ये जानना कि मैं क्या हूं इसको जानने के लिए आप अपना क्या खोने को तैयार हो नहीं नहीं सो यह खोने होने की बात ना करो खोना कुछ नहीं है बस जान जाए तो इसकी स्टेजेस को ध्यान से समझ लो पहला तो होता है जब आप अभी स्पिरिचुअलिटी से कोसो मील दूर हो मतलब आप क्या कर रहे हो यू आर एन एक्सप्लोरर आपने इधर उधर कुछ बुक्स पढ़ी थोड़ा बहुत किसी को सुना फिर आपने कहा चलो इसको भी सुनते हैं उसको भी सुनते हैं उसको भी सुनते हैं तो तभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आता है स्पिरिचुअलिटी में फिर देर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप जा करके कहीं ना कहीं अटक जाते हो नाइनटी लोग कि कहीं पर जो आपको चाहिए था वो एक्चुअल में नहीं मिल सकता बट ऐसा भ्रम होता है कि वो मिल गया है फिर आप वहां जाकर के अटक जाते हो पूरी दुनिया में जा करके अपने सारे फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को सब पूरी दुनिया को चिक चिक करके बताते हो कि देखो मेरे को वो मिल गया है जबकि अंदर से आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हो कुछ नहीं मिला है मतलब एक बार कहीं गए किसी के पास में बहुत अच्छा लगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि वाह फाइनली मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया है दोबारा गए बेकार लगा तीसरी बार गए और बेकार लगा लेकिन अब क्योंकि आप इतनी बार जा चुके हो और अपना इतना टाइम और पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके हो कि अब अगर आपने पूरी दुनिया को जाकर के बोल दिया कि ये बकवास है तो वो बकवास नहीं है आप बकवास हो वो कहेंगे तू बेवकूफ है तो अब आप क्या कर रहे हो पूरी दुनिया में जा करके कह रहे हो कि नहीं नहीं इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं और इतनी बार आपने झूठ बोल दिया कि वो झूठ आपको सच लगने लग गया अब आपके लिए वो ही सच है बट इफ यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस तो आप कहीं भी जाकर के अटकते नहीं हो चाहे कोई गुरु हो चाहे कोई बुक हो चाहे कोई बातें हो चाहे साउंड ऑफ साइलेंस हो कुछ भी हो कहीं भी जाकर के नहीं अटकते आप पूछते रहते हो हुए माई किससे अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है किससे पूछोगे कौन बताएगा आपको क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद इसका आंसर मेरे पास में है हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूं मेरे पास में नहीं है आंसर जैसे एक बच्चा जो नर्सरी में है उसके लिए तो सारे ही बराबर है ना चाहे कोई पांचवी क्लास का बच्चा हो दसवीं का हो या पीएचडी किया हुआ हो उसके लिए तो सब बराबर है उसके लिए तो सारी बातें ऊपर से जाएंगी तो वो तो दिखावे पे जाएगा ना जो देखने में गुरु लगेगा वो गुरु जो देखने में उसके जैसा लगेगा वो बेवकूफ़ तो इसकी स्टेजेस क्या है ध्यान से समझ लो कि पहले तो आपके अंदर ये सब इंटरेस्ट आता है फिर आप जा करके कहीं ना कहीं अटक जाते हो अगर आपका कोई मोटिव होता है बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सच जानना है क्यों जानना है कोई जवाब नहीं है अगर जवाब है तो आप एक सीकर नहीं हो तो आप एक भिखारी हो आपको कुछ चाहिए जो मांग रहे हो जा जा करके लोगों से और लोग आपको फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं बेटा तुझे क्या चाहिए आनंद चाहिए ये परमानंद चाहिए गुरु जी मुझे तो परमानंद चाहिए जैसे आप हो अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरु जी आ जाओ मेरी शरण में बहुत बढ़िया परमानंद क्या चाहिए आपको अगर कुछ चाहिए तो बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे जाओ दुनिया में बहुत सारी दुकानें हैं बहुत सारे दुकानदार हैं जो वो बेच रहे हैं जो आपको चाहिए तो वहां पे जाओगे उन दुकानों पे अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है वो पहले उनसे पूछ लो गारंटी है क्या नहीं नहीं गारंटी वारंटी कुछ नहीं है आपको मिला है क्या ये कैसा सवाल है तो अगर आपको सच चाहिए तो कोई दुकान नहीं है सच किसी दुकान पे नहीं मिलता है उसका कोई वैलिडेशन नहीं है कोई प्रूफ नहीं है उस पर अकेला चलना पड़ता है कोई आकर के आपको यह नहीं कहेगा कि अब आप आत्मज्ञानी हो गए हो तो जिस दिन आपके अंदर इतना करेज होता है कि आप अकेले चल सकते हो इस रास्ते पर तब चलते 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 बीच में क्वेश्चन पूछते, पूछते 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 बीच में कई बार भ्रम होता है ऐसा लगता है कि हाँ नाउ आई हैव अराइव्ड अब मुझे समझ आ गया है फिर क्या होता है जैसे कुछ खाते हैं और पचता नहीं है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है उल्टी होती है तो आप जा करके लोगों को बताते हो बोलते हो कि देखो मेरे को यह समझ आ गया है आई एम सेल्फ रियलाइज आई एम एल आई एम दिस आई एम दैट तो क्या हो रहा है अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि आपको इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को बताने में नेम में फेम में इन सब चीजों में तो आप पूछते ही रहते हो मतलब क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन उसके बाद एक और क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चनर के बारे में क्वेश्चन उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है उसके बारे में क्वेश्चन माइंड के बारे में क्वेश्चन आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये क्या है वो क्या है पूछते रहते हो पूछते रहते हो फिर धीरे धीरे आप फाइनली सेंटर में पहुंचते हो जो सबके सेंटर में है यानी कि द क्वेश्चनर आप उसको पकड़ लेते हो और उसके साथ ठहरते हो जो थिंकर है उसको देखते हो और फिर अपने आप से पूछते हो इस थिंकर डिफरेंट फ्रॉम थॉट इफ यस तब तो ठीक है मेरी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है थिंकर इज थॉट देन व्हाट इज थॉट फिर जब गहराई से ये सब समझ आ जाता है तो सबके बारे में बोलना सोचना बात करना सब कुछ छूट जाता है किसी को नहीं पता होता है कि आप अंदर से क्या हो क्या नहीं हो आपकी फैमिली को नहीं पता आपके फ्रेंड्स को नहीं पता वो लोग जो आपके साथ में उनको नहीं पता जो आपसे दूर है उनको नहीं पता किसी को नहीं पता ना किसी को, ना किसी को बताने की इच्छा है ना कुछ जानने की इच्छा है ना कोई क्वेश्चन है ना कोई डर है इन अदर वर्ड्स डीप विद इन यू आर एब्सिल्यूटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिज़ायर्स एंड फियर्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ सुपरफिशियली एवरीथिंग इज देयर जैसा था वैसा है वैसा ही रहता है कुछ नहीं बदलता है यानी उसके बाद भी अगर आपके हाथ पे कोई गर्म चीज लगाएंगे तो वो जलेगा अगर कोई बीमारी होगी तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा कोई आपको तंग करेगा तो गुस्सा आएगा वो सब सरफेस लेवल पे चलता रहता है डीप विद इन एवरीथिंग चेंजेस